लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 सिर्फ कहानी को आगे नहीं ले जाता, उसको और मजेदार कर देता है। हाँ, एपिसोड 2 का नाम है ब्रेकिंग ब्रेड, जिसका रेफरेंस हम सबको समझ आ गया कि हमारे फेवरेट शो ब्रेकिंग बैड का है। हेलो, मैं हूँ गेकनिक। एपिसोड 2 जब शुरू हुआ तो हमको देखने मिलता है लोकी और मोबियस लंदन आ चुके हैं, क्योंकि एपिसोड 1 की एंडिंग में ये हुआ था कि लोकी की प्रॉब्लम फिक्स हो गई थी और उन लोग ये देखे थे कि जनरल डॉग संटार एक्स फाइव और बाकी लोगों के साथ सिल्वी को ढूंढने निकल गई थी। तो उस समय ये हुआ होगा कि मोबियस और लोकी हंटर एक्स फाइव को ट्रैक किए होंगे और उसके बाद फिर लंदन पहुंच गए होंगे ईयर 1977 में। और फिर वहीं लंदन में हमें बहुत सारे रेफरेंस देखने मिलते हैं। जैसे कॉर्नर में एक पोस्टर लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है ड्रीम्स व्हाट डू योर्स से अबाउट यू, और ये हम जानते हैं कि ड्रीम्स और मल्टीवर्स आपस में कनेक्टेड है, जो कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो हमको एक इंडियन मूवी का पोस्टर दिखता है जिसका हीरो किंगो रहता है, और हम सब जानते हैं किंगो एक इटर्नल है क्योंकि हमने उसको इटर्नल मूवी में देखा है। उसके बाद हमको एक और सुपर हीरो का पोस्टर दिखता है जिसका नाम रहता है फोन रेंजर, और हाँ, मार्वल कॉमिक्स में एक सुपर हीरो है फोन रेंजर, जिसकी पावर है कि वो फोन को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद जेनिक मूवी का पोस्टर दिखता है क्योंकि इसी मूवी का प्रीमियर होता रहता है, और इसका हीरो रहता है ब्रैड वुल्फ, और ब्रैड वुल्फ कोई और नहीं हंटर एक्स फाइव था, जो कि एक बहुत फेमस एक्टर बन गया था। अब एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि असल में जेनियक एक सुपर विलन है मार्वल कॉमिक्स में, जो अपने होस्ट का दिमाग खराब करके उसको एक सीरियल किलर बना देता है। और फिर कॉमिक्स में जेनियक का होस्ट एक बार ब्रैड वुल्फ भी बन जाता है जब वो जेनियक पे मूवी बना रहा था। और फिर आगे हम देखते हैं मोबियस और लोकी हंटर एक्स फाइव से मिलते हैं, जिसके बाद एक अच्छा खासा चेस सीन चालू होता है जिसमें खूब भाग दौड़ रहती है मोबियस लोकी और हंटर एक्स फाइव की, जिसमें हमको लोकी का खूब सारा मैजिक और इल्यूजन दिखता है, जिसके बाद हंटर एक्स फाइव पकड़ा जाता है। फिर हंटर एक्स फाइव को लेके आ जाते हैं लोग टीवी है, और उसके टेम्पलेट को ओबी के पास ले जाते हैं क्योंकि उसका टेम्पलेट बहुत एडवांस हो चुका था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सिर्फ ओबी ही समझ सकता था क्योंकि ओबी ही था जो ही हू रिमेन के बाद सबसे पुराना था और टीवी के आधे से ज्यादा टेक्नोलॉजी खुद बनाया था। अब ओबी अपने ऑफिस में टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश करते रहता है, तभी लोकी और मोबियस आ जाते हैं हंटर एक्स फाइव का टेम्पलेट लेके। तो ओबी जो रहता है वो गाइड बुक दे देता है और कहता है इस गाइड बुक को पढ़ो और इससे टेम्पलेट को ठीक करने की और समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि केसी जो रहता है रेवना रेंसलर को ट्रैक करने की कोशिश करता रहता है, और इसमें उसको ये पता चलता है कि मिस मिनट भी मदद कर रही है रेवना रेंसलर की भागने में। इसके बाद मोबियस और लोकी एक्स फाइव को इंटरोगेट करने जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक्स फाइव लोकी को उकसाता है। हाँ, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक्स फाइव लोकी के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है इस सीन में, और वो कहता है तुम जो भी करते हो उसके आखिर में तुम हार जाते हो, तुम कितना भी प्लान कर लो पर आखिर में उसके कांड ही होता है, तुम एक लूजर हो। लेकिन वो लोकी को उकसा नहीं पाता है। वहीं वो मोबियस के बारे में कुछ कहता है तो मोबियस उठता है और एक्स फाइव को पीट देता है, जिसके बाद लोकी और मोबियस चले जाते हैं और पाई खाने बैठ जाते हैं। अब लोकी और मोबियस सिर्फ एक ही चीज डिस्कस कर रहे थे कि मोबियस क्यों अपनी लाइफ की टाइमलाइन नहीं देखना चाहता। तो शायद आने वाले एपिसोड में हमको मोबियस की ओल्ड लाइफ देखने मिले, जहां मोबियस अपना आपा खोदे और भावनाओं में बह जाए। इसके बाद लोकी भी मोबियस को यह बताता है कि वो भी लास्ट टाइम भावनाओं जब बहा था तो उसने 2012 में न्यूयॉर्क पे अटैक कर दिया था। अब लोकी और मोबियस को सिर्फ दो चीज जाननी थी कि सिल्वी कहाँ है और जनरल डॉक्स का प्लान क्या है। तो लोकी और मोबियस कुछ प्लान करते हैं, जिसके बाद लोकी अकेले ही इंटरोगेट करने जाता है अब हंटर एक्स फाइव को, और अपने तरीके से इंटरोगेट करता है, जिसके बाद लोकी को यह पता चल जाता है कि सिल्वी कहाँ है। अब हंटर एक्स फाइव मोबियस और लोकी तीनों जाते हैं सिल्वी के पास, और उन लोग देखते हैं कि सिल्वी कैफे में काम कर रही है। लोकी और सिल्वी थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं, फिर कैफे के बाहर निकलते हैं और कुछ डिस्कशन चालू कर देते हैं। यहाँ मोबियस को भी पता चल जाता है क्योंकि हंटर एक्स फाइव उसको बता देता है जनरल डॉक्स का प्लान क्या है। जनरल डॉक्स असल में एक्स्ट्रा टाइमलाइन ब्रांचेस जितनी भी बनी सबको बॉम्ब करने वाली है। यहाँ टीवी के अंदर ओबी टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वहाँ के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और उनको खोलने के लिए टेम्पोरल ओरा की जरूरत रहती है, और वो टेम्पोरल ओरा रहता है ही हू रिमेन का, जो अब नहीं है। दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी जनरल डॉक्स को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जनरल डॉक्स मेजर पार्ट जो रहता है ब्रांच टाइमलाइन का उसको प्रून कर देती है। और ध्यान देने वाली बात यह है जो टाइमलाइन प्रून हुई है वो 616 की है, जो कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन है। अब केसी भी रेवना रेंसलेयर को ट्रैक कर लेता है क्योंकि ब्रांचेस अब बहुत कम हो गई थी, और शायद अगले एपिसोड में इन लोग सब मिलकर रेवना को ही ढूंढने जाएंगे। अब एपिसोड के एंड में हमको यह दिखता है कि सिल्वी के हाथ में ही हू रिमेन का टेम्पलेट रहता है जो ग्लो करता रहता है, मतलब अब सिल्वी भी इन्वॉल्व होगी और कोशिश करेगी सिचुएशन को हैंडल करने की। तो ये थी लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 की कुछ डिटेल्स। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए कोई एडवाइस होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी सुपर वाला, सी यू सून।